मैंने जहाँ लिए हैं राजमा, जिनको मैं ओवरनाइट पूरी रात भिगो दिया था जैसे ही मैंने बनाना था, और मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है। ओवरनाइट के बाद मैं इसको एक कुकर में शिफ्ट कर दूंगी। ये मेरे पाया राजमा हैं गाइस, तो मैं इसके अंदर जैसे दाल में हम एक में 4 कटोरी पानी डालते हैं, तो इसके राजमा में जब भी हम बॉयल करेंगे एक मतलब कि पाया राजमा में यानी 2 कटोरी होगी, 2 कटोरी में हम 10 कटोरी पानी डाल देंगे, यानी क्योंकि बॉयल भी काफ़ी टाइम होएगा गाइस। तो मैं इसको लगवाऊँगी 2 से 5 सीटी, 3-4 जानी मिर्च में 3-4 सीटी लगाऊंगी। साथ में इसके ऐड करूंगी नमक, क्योंकि नमक पहले डालने से सारे राजमा बहुत ही अच्छे बॉयल होते हैं और हर एक राजमा के अंदर इसका नमक का फ्लेवर चला जाएगा। बाद में डालने से राजमा फीके फीके बनते हैं। तो मैं इतना पानी डाल दूंगी, ढक्कन को करूंगी बंद, मैं 3 से 5 सीटी लगाऊंगी। तो गाइस देखिए सीटी अपने आप निकल चुकी हुई है ना, जो स्टीम होती है। अब हम खोलेंगे, मैंने 20 मिनट पकाया है। एक सिम जैसे देखिए कितने अच्छे एकदम से नरम, ये हाथ से दिखाई नहीं देगा एकदम से देखिए गल गए हैं। अब मैं इनको साइड पे रख दूंगी और तड़का तैयार करूंगी, पंजाबी तड़का। तो फ्रेंड्स मेरा पैन गरम हो गया, इसके अंदर डालूंगी मैं 2 कड़छी रिफाइंड। तो फ्रेंड जहाँ पे मैंने वो अपना शाही पनीर वाला मसाला बनाया था ना मल्टीपर्पज ग्रेवी, तो गाइस मेरे पास अभी ग्रेवी है। आप मैंने आपको बताया था ना ये ग्रेवी अगर आप बना के रख देते हो, राजमा हो शाही कोई भी वेजिटेबल हो ढाबा वेजिटेबल हो, आप 10 मिनट में अपनी वेजिटेबल्स बना लेंगे। तो ये मेरा मसाला तैयार है, मैं इसको यूज़ करूँगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी वीडियो भी मतलब कि लिंक डाल दूँगी, आप जहाँ से अगर नहीं आपको पता चल रहा है मैंने नई वीडियो देखी होगी आपने अगर, तो आप ये वाली वीडियो देख करके मसाला तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे भी प्याज जैसे टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं वैसे आप ग्रेवी बना सकते हैं। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में है मेरी लिखी हुई लिंक दे दूंगी मैं, आप उसमें से जा करके देख लीजिए मल्टीपर्पज़ ग्रेवी विद शाही पनीर। तो मेरा मैं जहाँ ऐड करूँगी 2 लाल मिर्च साबुत, बहुत पंजाबी तड़के में बड़ा मज़ा आता है गाइस इसको खा करके। साथ में डालूँगी आधा चम्मच जीरा, साथ में डालूँगी थोड़ी सी छोटी सी पीस मेरे ऑलरेडी मसाले में पीसे हुए हैं दालचीनी वगैरह ना मैंने फ्रेश मोटे मसाले, लेकिन फिर भी राजमा में अच्छे लगते हैं ये सारे मसाले। और साथ में डालूँगी मैं हींग थोड़ा सा, साथ में डालूँगी काली मिर्चें साबुत वाली, और साथ में डालूँगी 2 पत्ते को मैंने 2 पीसेस कर लिए क्योंकि वेस्टेज जाती हैं गाइस, तो मैं 2 पत्तों को कर लिया है। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी क्योंकि है ना इसने सिर्फ फ्लेवर देना, बाद में हम निकाल देते हैं खाते तो है नहीं, फिर 2-3 पत्ते डाल दो वेस्टेज क्यों करना गाइस, हम ही तो औरतें बस संभालेंगी तो मैंने जहाँ लिया अपना मसाला पिसा हुआ, ये गाइस बिल्कुल भी फ्रिज में ख़राब नहीं होता, आप 1 महीना 2 महीने ये मसाला तैयार कर सकते हैं। मेरा इस टाइम पे पाया राजमा है 250 ग्राम, तो मैं 2 से 3 से 4 चम्मच इस ग्रेवी के डल जाएंगे मेरे। मैं गाइस ये प्याज लहसुन अदरक वाला है ना, मैं आपको दूसरा प्लेन बिना प्याज लहसुन अदरक के भी ग्रेवी बनाना बता दूंगी डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी बिना प्याज बिना लहसुन वाले अदरक वाली भी ग्रेवी एक बार बता दो जो स्टोर करके रख सकते हैं, तो मैं आपको वो भी एक बार बता दूंगी। अच्छी तरह से इस मसाले को हम एक बार भून लेंगे, वैसे तो भुना हुआ है तैयार मसाला है गाइस, 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें इसको वो करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मसाला मेरा ऑलमोस्ट भुन ही गया है, तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना धनिया पाउडर 1 चम्मच। ये पंजाबी मसाला पंजाबी राजमा तैयार हो रहे हैं गाइस बड़े मस्त वाले, और साथ में डालूंगी मैं हल्दी पाउडर ये भी आधा 1 छोटा चम्मच, साथ में ऐड करूंगी मैं अपनी लाल मिर्च पाउडर। तो मैं इसको हल्का सा हिला दूंगी, नमक हमने ऑलरेडी राजमा में डाला ही था गाइस, इसको अच्छे से हम मसालों को एक बार कलर दे देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको राजमा का पानी ऊपर से अलग से निकाल दिया था, पहले मैं राजमा को 2 से 5-10 मिनट राजमा को पहले सारा इसका खाली कर लिया है मैंने। तो गाइज मैं इसको 5 से 10 मिनट इसी मसाले में राजमा को पकाऊंगी, देखिए कलर कितना प्यारा है ना ढाबे रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल वाला, तो आपके भी ऐसे ही बनेंगे। सेम रेसिपी फॉलो पूरे करना और मिस मत करना गाइस, ये शाही पंजाबी
राजमा बन रहे हैं रेस्टोरेंट वाले ढाबे वाले, तो बनाइए खाइए। नीरू वालिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसको 5 से 10 मिनट मतलब कि राजमा की ग्रेवी को मसाले के अंदर भून लूँगी। जैसे मैं क्या करूँगी, अपने पैन में से जिसमें मसाला भुना था उसमें से मैं शिफ्ट कर लूँगी जिसमें मैंने राजमा उबाले थे, ताकि मैं एक सीटी आराम से लगवा सकूँ, मसाला अच्छी तरह से रोस्ट कर सकूँ। तो गाइज़ मैं इसमें 5 से 10 मिनट पकाऊँगी अच्छी तरह से, और जो हमने राजमा का पानी निकाला था वो इसी के अंदर लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स मुझे 2 से 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। मैं अब जो पानी था बर्तन भी धो दिया मैंने, कि ताँ जो बर्तन में जो मसाला लगा था वो भी सारा उसी से डाल करके कर दिया। अब मैं एक सीटी लगवाऊंगी और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको सिम गैस पे पकाऊंगी। तो लीजिए गाइस, तैयार है हमारे पंजाबी तड़के के राजमा साथ।